Hey guys and welcome back to the Pokemon Black version. जहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने दोस्तों यार तीन लेजेंडरी पोकेमोन कैच किए थे इस यूनोवा रीजन के, जो कि थे कोबेलियन, टेराकियन एंड विरिजियन। सो गाइज यार यहाँ पर मैं अपनी टीम को दोस्तों यार लेवल 70 तक ट्रेनअप करके आ चुका हूँ, क्योंकि गाइज यार आज जो है हम यहाँ पर वन ऑफ द टफेस्ट यहाँ पर ट्रेनर के साथ बैटल करने के लिए जाने वाले हैं, जिसका नाम है गाइज यार सिंथिया। आपको तो पता ही होगा दोस्तों यार इस घर में जो है वो सिंथिया रहती, मतलब कि आई है यहाँ पे। सो लेट्स गो यार, यहाँ पर मैं अपने दोस्तों यार ड्रेक को स्विच आउट कर देता हूँ बैटल के लिए। काफी ज्यादा डेंजर बैटल होने वाला है हमारा आगे द सिंथिया, लेट्स गो। You had a chance to get ready. I do want our Pokemon to have a match. Are you prepared to be my opponent? Yes. Before I send out my Pokemon, my heart always begins to race. Interesting. My Pokemon in their Pokeballs are radiating a happy feeling. Are you the reason? What are you? So here we go guys yaar. Drew the Gamer versus the Sinnoh region Pokemon, Sinnoh region चैंपियन। यस, सिनोह रीजन के दोस्तों यार चैंपियन के साथ आज हमारा बैटल होने जा रहा है, जिसका नाम है गाइस यार सिंथिया। तो उसके पास दोस्तों यार लेवल 75 का स्पिरिट बॉम्ब से उसने शुरुआत की है, तो यार 6-on-6 मुकाबला होने जाने वाला है। सो यस, यहाँ पर गाइस यार नए नए मूव सीख लिए हैं मैं यहाँ पर अपने काफ़ी सारे पोकेमॉन से दोस्तों यार सारे के सारे पोकेमॉन से शायद नए नए मूव सीख लिए हैं यहाँ पे। तो यस शुरुआत करते हैं गाइस यार आउटरेज से, बट हाँ मुझे लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा जल्दी यहाँ पर आउटरेज यहाँ पर वर्कआउट करेगी। यस यहाँ पर इसको करने देते हैं गाइस यार फुल रिस्टो, बट हाँ यहाँ पर ना गाइस यार कितना भी इसे करने दीजिए, भले ही यहाँ पर मेरा दोस्तों यार ड्रेक डाउन हो भी ना जाए, बट यहाँ पर ना मैं मेक श्योर करूँगा कि यार उसके अगले जो पोकेमॉन्स आएंगे ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी रिस्टोरिंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गाइस यार शायद लगभग ये तीन या चार ही इस्तेमाल कर पाए फुल रिस्टोर। तो यार एक तो उसने कर लिया शायद, और या दो या तीन नहीं तो आएंगे, देखना होगा गाइस यार और कितने आते हैं। तो लेट्स यूज़ दी आउटरेज अगेन, बट नहीं यार यहाँ पर मतलब कि यार ड्रेक कन्फ्यूज होने के बावजूद दे रहा था, बट यार उसकी इवेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गाइस यार उसको काफ़ी ज़्यादा डबल टीम का इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि यार ये बैटल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक होने जाने वाला है हमारा। नहीं यार शेट, ड्रेक यहाँ पे दोस्तों यार कन्फ्यूज की वजह से डाउन हो गया, वरना तो यार ये बैटल खत्म ही कर देता था ड्रेक। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ड्रेक तो डाउन हो गया, तो नेक्स्ट अप किसको लेकर आते हैं, फ्रॉजर। यस फ्रॉजर के साथ मेरे पास एक भी स्पिरिटोम को डाउन करने के लिए फेरी टाइप पोकेमॉन्स की जरूरत है, बट मेरे पास हो भी नहीं है। सो लेट्स यूज दी हाइड्रो पंप ओवर हियर टू डाउन दी स्पिरिटोम, एंड यस गाइस यार स्पिरिटोम जो है यहाँ पर डाउन हो चुका है। देखते हैं गाइस यार अगला शिकार, मतलब कि अगला पोकेमॉन कौन आता है हमारा, माइलोटिक। ओके, तो माइलोटिक के खिलाफ यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे जैप को, जिपी जैप। यस डिस्चार्ज का इस्तेमाल करेंगे गाइस यार, मैं चाहता तो हूँ कि थंडर वेव भी दो, क्योंकि गाइस यार बट नहीं अटैक के साथ जाएंगे आज, मतलब कि मैं डिफेंस के साथ नहीं जा रहा हूँ, सीधा अटैक करेंगे गाइस यार भले ही हमारे कितने भी पोकेमॉन डाउन हो जाए। तो लेट्स यूज द डिस्चार्ज ओवर हियर। ओके, तो हाइड्रो पंप यार उसने भी इस्तेमाल किया, एंड जैप को काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि क्या यार जैप को इलेक्ट्रिक टाइप के खिलाफ, मतलब कि यार वाटर टाइप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज करते हैं। ओके, सो मुझे लगता है गाइस यार ओ शिट यार यहाँ पर मैं हीलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट मैं क्यों ना गाइस यार यहाँ पर ना भले ही यहाँ पर मेरा जैप डाउन हो रहा है, बट हाँ यहाँ पर मैं गाइस यार क्या करता हूँ अपनी ड्रेक को फिर से अपनी इस बैटल के लिए बुला लेता हूँ, एंड मुझे पता था कि ये जैप को डाउन करेगी। अब क्या करता हूँ ना गाइस यार, मतलब कि अभी भी थोड़ा सा मैं बलिदान खेलने वाला हूँ, तो लिफी का अब तक यहाँ पर बलिदान दे देते हैं, एंड फिर से बुला लेते हैं गाइस यार जीपी जैप को। यस जीपी जैप जो है यहाँ पर हमारा डाउन कर देगा इस पोकेमॉन को। सो लेट्स यूज दी लीफ स्ट्रोम। ओके, तो ब्लिजर्ड। ओके, सो गाइस यार ब्लिजर्ड यहाँ पे शायद डाउन कर पाए हमें, तो ओके नहीं यार ऑलमोस्ट डाउन कर पाता, शेट यार मतलब कि यार लिफी ने गाइस यार फर्स्ट अटैक अवॉइड किया था, बट यार अब फ्रोजन के चलते यहाँ पर वो डाउन हो गई, नहीं तो यार अभी ये माजरा खत्म हो जाता था यहाँ पर माइलोटिक का। तो गाइस यार यहाँ पर लिफी का बदलाना यहाँ पर मतलब कि अपना जैप ले लेगा। यस जैप तुझे अपने दोस्त का बदला लेना है जो कि है लिफी। सो यस यहाँ पर मैंने फिर से अपने जैप को दोस्तों फिर से भेज दिया इस बैटल के लिए। लेट्स यूज दी डिस्चार्ज ओवर हियर। हैड्रोम से इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा नहीं अभी इस बार मुझे, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं हीलिंग करके आ चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचेगा नहीं, बट हाँ उससे ज़रूर डैमेज पहुँचने वाला है। एंड यस यहाँ पर दोस्तों माइलोटिक भी जो है यहाँ पे माइलोटिक भी यहाँ पर डाउन हो चुकी है। देखते हैं गाइस यहाँ पर अगला पोकेमॉन कौन सा आता है, दो तो बस यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दो को हराने के लिए, देखते हैं गाइस यहाँ पर थर्ड वन कौन सा आता है। ओके गार्चोम, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी मेरी गलत भी जा सकती है, बट क्या करें, लेट्स यूज इट। यस मैंने थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगाया,
यस गाइज यार, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा कि गाइज यार यहाँ पर ना मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा ड्रैग डाउन होगा क्योंकि कैसा ड्रैगन टाइप की वीकनेस ड्रैगन टाइप भी होती है। ओके सो ये दाव मैंने खेला है, शायद गलत भी जा सकता है गाइज यार। ओके शेट हेल यार, ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन होने वाला था बट यार गार्चोम बच गया। तो गाइज यार यहाँ पर ड्रेक ने अपना काम बखूबी यहाँ पर निभाया है यहाँ पे। तो अभी का काम क्या, कौन संभालेगा स्टोन। यस अभी जो है यहाँ पर मुझे क्विक अटैक देने वाला चाहिए जो कि इस गार्चोम को डाउन करता है। स्टोन मुझे लगता है कि यार एक क्विक अटैक अब बस हो जाएगा उसे डाउन करने के लिए। एंड यस गाइज यार यहाँ पर उसके दोस्तों सबसे बेस्ट पोकेमोन को हमने यहाँ पे हरा दिया है जो कि था गार्चोम। तो नेक्स्ट अप देख कौन लेते हैं। ओके इलेक्ट्रोस, उसने गाइज यार यहाँ पर सिनोरिजन का भी पोकेमोन पकड़ के रखा हुआ है एक। तो यस इसके लिए मैं लेके आ जाता हूँ अपने फ्रोजर को। मुझे पता है गाइज यार यहाँ पर डिक का इस्तेमाल नहीं होने वाला क्योंकि लेविटाइट एबिलिटी है उसके पास। तो बट हाँ मैं क्या करने वाला हूँ गाइज यार यहाँ पर हाइड्रोबम के साथ चले जाते हैं। अच्छा वो यहाँ पर फ्रोजर फर्स्ट हिट दे पा रहा है तो क्योंकि यार हाइड्रोबम उससे भी ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा है मैंने देखा है। ओके ड्रैगन क्लॉ बट हाँ अभी उसको दोस्तों यार शायद मैं से डाउन कर पाऊँ क्योंकि यार रॉकेट हेलमेट से उसे भी डैमेज पहुँच गया है। तो अभी इस बार ना मैं थोड़ा सा सेफली जा रहा हूँ, सर्फ का इस्तेमाल करके गाइज यार इसके इलेक्ट्रोस को भी डाउन कर देंगे। सो यस गाइज यार यहाँ पर हमने दोस्तों उसके इलेक्ट्रोस को भी यहाँ पे डाउन कर दिया है। तो शायद अभी ये बस एक ही पोकेमोन बचा हो, पता नहीं यार कितने पोकेमोन बचे हैं यहाँ पे। ओके ब्रेवरी, ओके सो ब्रेवरी के खिलाफ कौन आएगा। जैप तो अभी हीलिंग के लिए चाहिए, जैप ही आएगा बट हाँ लिफी को थोड़ी सी यार मतलब कि शायद। तो चल यार फ्रोजर तूने अपना काम बखूबी निभाया है यहाँ पे, तो क्यों ना अब यहाँ पर मतलब यार अभी उसके पास दो पोकेमोन बचे हैं तो क्यों ना गाइज यार यहाँ पर ना मैं हाइपर पोशन दे देता हूँ। यस हाइपर पोशन दे देते हैं अपने जैप को क्योंकि गाइज यार उसका लास्ट पोकेमोन मुझे पता नहीं है कौन सा आने वाला है। तो इसके खिलाफ ना गाइज यार यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यार अब ब्रेवरी ने अपने दोस्तों अपने इसको तो डाउन कर दिया। ओके रॉकी हेलमेट एंड शायद ब्रेवर इस्तेमाल किया तो उसको रिकॉइल नहीं हिट हुआ क्या। यस रिकॉइल भी हिट हो चुका है। तो गाइज यार यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ फिर से अपने जैप को। जैप यार इस मैच में काफ़ी ज़्यादा पोकेमोन यहाँ पर डाउन किए, शायद लगभग दो तो इसने ऑलमोस्ट डाउन ही किए, ये शायद तीसरा पोकेमोन होगा जो इसे डाउन करेगा। ओके तो यार प्लीज़ यार जैप। ओके तो यहाँ पर डिस्चार्ज जा चुका है एंड मुझे लगता है कि ब्रेवरी इस अटैक को सह नहीं पाएगा। एंड यस गाइज यार यहाँ पर ब्रेवरी भी जो है यहाँ पर डाउन हो चुका है। तो देखते गए सर लास्ट पोकेमोन कौन सा आता है, लुकैरियो। ओके तो लुकैरियो के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे अपने मैक्स का। मैक्स तूने इस बैटल में कुछ भी किया नहीं है बट यहाँ तूने अपना पार्टिसिपेशन जरूर दिखा एंड इस पोकेमोन को मुझे डाउन ही डाउन चाहिए। यस कुछ भी हो जाए प्लीज़ इस पोकेमोन को डाउन कर दे। तो हम ना गाइज़ न्यू मूव को इस्तेमाल करने वाला है। सो न्यू मूव है यहाँ पर हमारी फ्लेयर ब्लिट्स। यहाँ पर मैंने न्यू मूव क्यों सीखी गाइज यार, मैं ब्लास्ट वन में सीखना चाहता था बट हाँ इसके गाइज यार पीपी जो है ना मतलब कि इसके गाइज यार पॉइंट्स मतलब यार 15 पॉइंट्स है एंड ब्लास्ट वन के बस 5 ही थे एंड ब्लास्ट वन की एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा थी नहीं बट यार फ्लेयर ब्लिट्स की एक्यूरेसी जो है वो 100 है एंड अटैक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यस गाइज यार यहाँ पर हमने लुकैरियो को दोस्तों हरा दिया है बट हाँ इसी दौरान अपना मैक्स भी फेंट हो चुका है क्योंकि गाइज यार यहाँ पर डैमेज पहुंचता है पोकेमोन को भी। माय हार्ट इज पाउंडिंग सो हार्ड बिकॉज़ आई हैड सच अ हेटेड बैटल विद यू, यू आर अ रियली ग्रेट ट्रेनर। सो यार 30,000 दे दिए इसने हमें, दैट वाज अ बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, व्हाट एन एक्सेप्शनल बैटल। ओके यू सडनली बियर अ रिसेम्बलेंस टू दैट ट्रेनर हु फेस किराटिना। ओ पार्डन मी आई वाज जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई लव बीइंग हियर इन द समर एंड स्प्रिंग, आई कांट स्टे इन ऑल ईयर बिकॉज़ देयर इज सो मच न्यूज़ टू इन्वेस्टिगेट। इसने हमारे भी बात की क्योंकि गाइस यार आपको पता ही होगा हम ही थे जिन्होंने यार अपनी पोकेमोन प्लैटिनम की सीरीज में यहाँ पर गार्चोम को हराया था, गार्चोम नहीं यार गिराडिना को। सो यस गाइस यार आज के वाले वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ दोस्तों पोकेमोन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।